आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। आज हम बात करेंगे एक बीमारी पे जिसपे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद अब देश में एक और बीमारी आती दिख रही है। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए आपात बैठक की। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने चेतावनी जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके लक्षणों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर है। उधर भारतीय प्राइवेट हेल्थ डिवाइस कंपनी ट्रिवट्रॉन हेल्थ केयर ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए एक RT-PCR टेस्ट किट तैयार कर ली है। ये किट एक घंटे के अंदर नतीजा दे सकती है। शुक्रवार को अर्जेंटीना में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। मरीज हाल ही में स्पेन की यात्रा कर लौटा है। देश में वायरस का एक संदिग्ध मरीज भी पाया गया है। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम अफ्रीका से UAE लौटी एक महिला में भी मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। बता दें कि अब तक 21 देशों में मंकी पॉक्स के 226 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, और इतनी तेजी से फैलने की वजह से ही WHO ने भी इस पे संज्ञान लेते हुए बैठक की है। पूरी दुनिया अभी कोरोना की मार से उबर भी नहीं पाई थी कि मंकी पॉक्स की एंट्री ने एक बार फिर से सबको दहशत में डाल दिया है। WHO ने इसे लेकर आपात बैठक बुलाई है। पूरी दुनिया को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं WHO की तरफ से। मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना की खतरनाक स्थिति सभी ने देखी है, और अब दूसरी महामारी से या फिर किसी बीमारी से जूझने की हालत में अभी देश दुनिया नहीं है। इसीलिए सब अलर्ट मोड पे हैं। WHO भी इसको लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। ये बीमारी कोई नई नहीं है, ना ही कोरोना जैसे इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं, लेकिन इसके फैलाव के चलते दुनिया के तमाम देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। WHO ने इसे लेकर बैठक बुलाई है, तो वहीं भारत में भी केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने अफ्रीका और यूरोपीय देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। मंकी पॉक्स अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली एक वायरस बीमारी है, जो 1950 में अफ्रीका में बंदरों में पाई गई थी। मंकी पॉक्स के केस मध्य अफ्रीका देशों में पहले से भी दर्ज होते रहे हैं, लेकिन अब ये बीमारी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन और स्वीडन में भी फैल चुकी है, जिसे लेकर WHO ने चिंता जाहिर करते हुए एशियाई देशों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मंकी पॉक्स का संक्रमण सामान्य है, जो कि संक्रमित जानवर, इंसान या फिर संक्रमित जानवर से काटने से होता है। हालांकि ये बीमारी कोरोना की तरह तेजी और आसानी से नहीं फैलती है, साथ ही मौत की दरें भी कम होती है। इस समय भारत में अब तक ये बीमारी अस्तित्व में नहीं आई है, इसलिए भारत के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो मंकी पॉक्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। आपको अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ना ही इससे लेकर पैनिक करना है। बस सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही अगर उन देशों की यात्रा करने वाले हैं जहां पे मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, तो पहले डॉक्टर से परामर्श करना भी काफी जरूरी है। और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर मंकी पॉक्स हो गया है तो इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये अभी नहीं पहले से मौजूद है, तो क्या इसका इलाज है या नहीं है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ से जानेंगे कि इसकी पूरी जानकारी कि आखिर मंकी पॉक्स होता क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इसमें और कोरोना में कोई लक्षण है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सभी ने देखा है, कोरोना की स्थिति अभी
सामान्य तो है, लेकिन आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं। और क्या इसके तुरंत बाद ये मंकी पॉक्स का मामला जो तेजी से फैल रहा है, अगर दोनों बीमारी एक साथ हो जाती है तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? शोध कहां तक पहुंचा है, दवाइयां क्या कुछ है, पूरी जानकारी आज हम लेंगे। भारत में जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना के चलते, और कोरोना के अभी तक की जो स्थिति देखने को मिली है उससे, और हमारे जो इस वक्त का माहौल है, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा अगर हमारे देश में भी मंकी पॉक्स आ जाता है, इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या लोगों को डरने की जरूरत है, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक महामारी हमने देखी है, कोरोना। कोरोना ने 2 साल तक पूरी दुनिया को डरा दिया, सहमा दिया, और अब जब ये स्थिति सामान्य हो रही है तो एक और बीमारी निकल कर सामने आ रही है जो कि तेजी से फैल रही है। अब तक 21 देशों में मंकी पॉक्स के 226 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये कोरोना जितनी घातक नहीं है, इसके घातक परिणाम नहीं देखने को मिले, ना ही मौत के आंकड़े इतने ज्यादा खतरनाक सामने आए हैं अभी तक, लेकिन फिर भी लोगों में डर का माहौल है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक चीजें फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं, लोग उससे काफी डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोगों के मन में भय है उसको दूर करने के लिए ही आज हमने इस चर्चा को कर रहे हैं, और इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, और जिस तरह से उन देशों की यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं जहां पे मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, तो क्या कुछ सावधानी बरतनी है, और किस तरह से फैलता है मंकी पॉक्स का ये लक्षण बीमारी, इसके बारे में भी हम डॉक्टर से जानेंगे। तो भारत में अभी तक ये बीमारी ने कदम नहीं रखा है, लेकिन सरकार सतर्क मोड पे है, सतर्क है और एक्टिव नजर आ रही है। पहले से ही आरटीपीसीआर किट भी सामने आ चुकी है, जिससे 1 घंटे के अंदर ही इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अलर्ट में रहने के साथ ही साथ सभी को मॉनिटर भी किया जाएगा, अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो एक्टिव मोड में आते हुए उनका इलाज भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स अफ्रीका देश में पाई जाने वाली एक वायरस बीमारी है, जो कि 1950 में अफ्रीका में बंदरों में पाई गई थी, यानी कि ये बीमारी बिल्कुल भी नई नहीं है। तो अफ्रीका में इसके ऊपर रिसर्च जरूर हुई होगी, और अफ्रीका से अब ये बाकी देशों में अगर फैल रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये जानना भी काफी जरूरी है। ये बीमारी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन और स्वीडन में फैल चुकी है, जिसे लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है, और एशियाई देशों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कीर्ति वर्धन सिंह जी, डॉक्टर जुड़ चुके हैं, मयंक यादव जी सपा से जुड़ चुके हैं, और शालिनी माथुर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर से हम जानना चाहेंगे कि जो ये वायरस है मंकी पॉक्स, जिस तरह से बीमारी अब दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रही है सर, तो किस तरह से इसे देखते हैं, आखिर अफ्रीका से शुरू हुआ ये एक वायरस बीमारी, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच कैसे रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि हमको मालूम था कि कोविड का जो सेंटर था वो वुहान चाइना में था, एपिडेमिक जो सेंटर था, सिमिलरली वो चाइना से पूरे विश्व में स्प्रेड कर गया, और अभी भी उसका खतरा लगातार बनाई हुआ है, तो जिससे हम लोग समय समय पर प्रिकॉशन लेते रहते हैं। बहुत सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, जो अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेवल कर रहे हैं, वो इंडिया में भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका चेन ऑफ स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड इसका हो रहा है, सबसे पहले हम इसकी वायरस की प्रकृति के बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये 1950 में बंदरों में पाया गया था, अब ये बंदरों से इंसानों में कैसे पहुंच रहा है? जैसे कि अभी जो करंट सिनेरियो है, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये छींकने, खाने से, खांसने से, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज हो जिसमें से कि हमारा जो सलाइवा या द्रव्य, किसी भी सीरम या फ्लूड किसी भी तरह से संपर्क में आ जाता है, उस इंफेक्टेड जानवर की खाल से के कटे हुए घाव से अगर हम उसको छू लेते हैं तो वो ह्यूमन में ट्रांसमिशन उसका हो रहा है। अगर वो ह्यूमन, वो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को छू रहा है तो इससे वो रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, यानी कि ये कोरोना की तरह ही फैल रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी क्या इसी तरह से फैल रहा है मंकी पॉक्स? बिल्कुल इसी ही सिमिलरली इसी तरीके से, लेकिन इसका जो रेट ऑफ वायरल लोड है वो थोड़ा सा कम है, इतना इंफेक्शियस नहीं है, बट स्टिल मोड ऑफ इंफेक्शन जो इसका है वो सेम वही है
जैसे कि हम खांसने छींकने से या पब्लिक प्लेसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है। जी, इसके बारे में जानकारी कैसे लगी कि इंसान मंकी पॉक्स से ही पीड़ित है, कोई नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन नहीं है? जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन तक का होता है सिमिलरली, और उसके जो रैशेस हैं वो पीले पीले से रहते हैं और उसपे येलो कलर का सीरम रहता है, यानी कि द्रव रहता है। अगर आप देखेंगे कि आप चेचक लाइने लाइने इसके ऊपर की पपड़ी बहुत जल्दी गिर जाती है, और जो उसका जो 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 सीरम रहता है वो अगर किसी के संपर्क में आता है या वो व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वो हम ये उसका सैंपल लेके ये क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सैंपल की एक SOP जारी कर दी गई सरकार के द्वारा, सारे ही हेल्थ सेंटर्स में, सारे जिला अस्पतालों में, CSCs में ये सबको अवेलेबल करा दी गई है। तो उस परीक्षण से मालूम कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो वाकई में मंकी पॉक्स से ग्रसित है कि नहीं। जी, अगर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाए और अगर वो ऐसे देश में यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे पहले से ही मंकी पॉक्स मौजूद है, उसके लक्षण सामने आ चुके हैं, उसके मामले सामने आ चुके हैं, तो किन तरह की सलाह देंगे, कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि कोरोना से तो मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइजर का यूज करके बचा जा सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स से कैसे बचा जाए? सिमिलर मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन से, अगर हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपना इंफेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने आप को मतलब दूसरा इंफेक्शन फैलने से बचा रहे हैं। और अगर ट्रैवल करके हम किसी संक्रामित देश से आए हैं तो 7 से 14 दिन हम घर पे एक होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, इसको सेल्फ आइसोलेशन होता है, इसे हम खुद भी बच सकते हैं और दूसरे को भी इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। जी, तो क्या इसका अभी तक कोई इलाज सामने आया है, क्योंकि ये काफी समय से हमारी दुनिया में मौजूद है इन्फेक्शन, तो अभी तक इसका कोई इलाज? जैसे कि वायरल एक सेल्फ इम्प्लिकेशन है, यानी कि उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, वो खुद ही ठीक कर लेता है अपने आप को, इसलिए उसके लिए कोई बहुत मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर इसका आउटब्रेक होता है तो इसके लिए एक वायरल, इसके लिए एक वैक्सीन बनी हुई है, उस वैक्सीन को हम लोग VIG वैक्सीन बोलते हैं, वो यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जी कीर्ति जी, जिस तरह से यहाँ पे हमारे देश में RT-PCR किट तो आ गई है, लेकिन इसकी वैक्सीन कब तक आ जाएगी, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, सारे कुछ कुछ सेंटर्स में अवेलेबल है सिलेक्टेड, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटब्रेक नहीं है, और इसका ये भी है कि खुद ही से ठीक हो जाता है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल मयंक जी, हमने अभी कोरोना का कहर देखा है और अब ये मंकी पॉक्स जैसी बीमारी, सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, WHO ने भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या इस बार सरकार एक्टिव मोड में है, क्या इस बार हम कोरोना जैसी स्थिति हमने देखी थी तो क्या उससे हम बच पाएंगे? इस बार मंकी पॉक्स का जो फैलाव हुआ था पिछली बार कोरोना का, उस तरह से नहीं हो पाएगा मंकी पॉक्स का फैलाव, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार तो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, वो भी जब बयानबाजी करती है। जी। जब लोगों को मदद पहुंचाने की बारी आती है तो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कहते हैं आई एम सॉरी, तो सॉरी से काम चलने वाला नहीं है। जी। और कोरोना का जब प्रसार हुआ, दूसरी लहर आई, उस समय सभी ने देखा सरकार की, ये लोग प्रचार प्रसार इनका जो उसमें चुनाव चल रहा था और सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, इनके सारे मंत्री विधायक संतरी जो भी थे वो असम बंगाल में चुनाव जीतने की अपना लगे हुए थे, अच्छी चीज थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर या देश की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के हालात तो बद से बदतर हो गए थे जी। हम लोग वैसे भी स्वास्थ्य के मामले में हमारा देश अभी बहुत पीछे है, और बात अगर उत्तर प्रदेश की कीजिए, उत्तर प्रदेश तो सबसे निचले स्थान पर है। और मैं सभी के सभी दर्शकों से और सम्मानित देशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि किसी अंधविश्वास में या किसी प्रभावी व्यक्ति के जो कहता है कि ताली बजाओ थाली बजाओ, इन सब में ना पड़कर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह। जी शालिनी जी, बोले कि आपकी आवाज पहुंचे आप तक। जी मयंक जी, जिस तरह से आप विपक्ष में, आपका काम है कि उन मुद्दों को उठाएं जो कि सरकार जिन पे ध्यान नहीं दे पा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीजें जो कोरोना काल में देखने को मिली, सरकार को उन पे काम करना चाहिए था, जो मंकी पॉक्स जैसी बीमारी है अगर वो देश में आ जाती है तो उससे बचा जा सकता है, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, सरकार को सुझाव यही है
कि वो हमारे जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करे और उन डॉक्टर्स तक वो हर उन डॉक्टर्स जो दवाइयां बताते हैं कि इन इन दवाइयों को स्टॉक किया जाए, वो दवाइयां सरकार अपने तरफ से स्टॉक करे। जैसे कोरोना महामारी ने हम सभी ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी पड़ी, दवाइयों की कमी पड़ी, तो और वो लगातार बनी रही। जब देखिए जनता पार्टी ने कहा कि हमने कोरोना की स्थिति को संभाल लिया था, भाई जब कोरोना का पीक था अप्रैल के स्टार्टिंग से अप्रैल के आखिरी तक, तब तो इन लोगों ने कहीं लॉकडाउन लगाया नहीं, कहीं कोई सुविधाएं पहुंचाई नहीं। जब 2 मई को चुनावों के रिजल्ट आ गए उत्तर प्रदेश में, उस समय पंचायत चुनाव चल रहे थे और असम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव चल रहा था, उसके बाद इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया और मुख्यमंत्री जी दिखावे के रूप में इधर उधर घूमने लगे सरकारी खर्चे पर। तो लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए, आप जनता ने आपको चुना है, जिम्मेदार सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप जिम्मेदार होकर भी आप बंगाल असम अगर घूमेंगे वहां पिकनिक मनाएंगे तो फिर ये सही नहीं है। तो हमारा कहना यही है सरकार से कि सरकार दवाइयों का उचित प्रबंध करे। अगर सरकार कई महीने पहले हमको अलर्ट कर रही है हमारे देश में अभी एक भी केस नहीं मिला है, तो सरकार को जो भी जरूरी दवाएं हैं सर्वप्रथम उनको स्टॉक करवाए और उसकी स्टॉक करवाने में स्टॉक होने के बाद जरूरत के हिसाब से सभी शहरों में सभी प्रदेशों में सही तरह से दवाई पहुंचे, यही हमारे सरकार को सुझाव है। बाकी हालांकि सरकार को हमारे सुझाव से कोई मतलब नहीं, सरकार तो ताली थाली बजवाकर अपना काम बनवाना जानती है, तो सरकार को अंधभक्ति भी छोड़नी होगी कि ताली बजाइए थाली बजाइए एकता का। अरे भाई एकता का संदेश हम देते रहते हैं, हिंदुस्तान की एकता से पूरा विश्व परिचित है जी बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले स्थान पर है, इससे भी पूरा देश परिचित है। सरकार को चाहिए कि इससे देश को निकाले, लेकिन हमारी सरकार तो अंधविश्वासों में लोगों को डाले रहते कि भैया शाम को 5 बजे थाली बजा लेना, दूसरे दिन गिलास बजा लेना, तीसरे दिन चम्मच बजा लेना। अरे हम गिलास थाली चम्मच बजाने के लिए थोड़ी बच्चे हैं, अरे हमारी आस्था को अंधविश्वास में तो ना बदलिए। बिल्कुल काम करने की हमारे यहाँ लोग इस पर बड़ा भरोसा, बेहतर करने की भी जरूरत है। हमारे साथ शालिनी जी भी जुड़ी हुई है। शालिनी जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो जिस तरह से हमने कोरोना काल देखा है और अब मंकी पॉक्स की बीमारी दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है, अगर ये भारत में आती है तो किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है और कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स भी उसी तरह से फैलता है जिस तरह से कोरोना फैलता है, हालांकि ये काफी घातक नहीं है लेकिन फिर भी, तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, एक बार फिर से हर चीज बंद करने की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या कुछ इसके अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त कोरोना फैला उसमें सरकार कह रही है कि 470,000 लोग मरे, लेकिन WHO कह रहा है कि 47,00,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, मतलब जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे 10 गुने से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अर्थव्यवस्था तो उससे बहुत छोटी चीज है। उस वक्त ये वाली बात हुई कि सब जगह अस्पतालों में बेड्स बढ़ा दिए गए हैं और ऑक्सीजन का प्रबंध हो गया है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो एक भी बार ना तो सरकार ने बताया और ना ही कभी मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट वास्तव में लगे हैं, कितने एक्स्ट्रा बेड्स की व्यवस्था हुई है, कहाँ सेलाइन और ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था हुई है। तो सब वो भी अब दूसरी दूसरी बातों में लग गए कि कौन सरकार जीतेगी कौन हारेगी, और हर वक्त हिंदू मुसलमान के झगड़ों के लेकर टीवी बैठा रहता है। उसकी बजाय ये देखने की जरूरत है कि जो जो वादे सरकार ने किए थे और वादे क्या मतलब प्रबंध किए थे, उन वो प्रबंध पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, कि जैसे ही कोई बीमारी आएगी उसके लिए अस्पताल हमारे तैयार है कि नहीं है जी। तो ये चीज बहुत सख्त जरूरी है देखने की। बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये लक्षण होते हैं मंकी पॉक्स के उसका पता कितने दिन में चलता है, क्योंकि कोरोना के मामले में हमने देखा कि एक हफ्ते बाद ही पता चलता था कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो इसके सिम्टम्स पता चलने में कितना समय लगता है, क्या ये सिर्फ स्किन इन्फेक्शन है या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे भी अफेक्टेड आता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे भी अफेक्टेड आता है, जैसे कि 7 से 14 दिन का मैंने कहा इंक्यूबेशन पीरियड है, तो 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद, किसी किसी की हर आदमी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम कैसा है, कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है जी। तो 14 से 21 दिन में ये सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और ज्वाइंट पेन बहुत रहता है, हेडेक बहुत रहता है, वॉमिटिंग, नोजिया,
उल्टियां, जैसे कि पेट खराब रहता है इंसान का, ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं जी। और सरकार, जैसा कि मैडम ने कहा, एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे सरकार सारे जितने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कोरोना कोविड के टाइम पे किए गए थे, उसका लगातार मॉकड्रिल किया गया है, लगातार सर्कुलर भेजे जा रहे हैं, और जब जब कोविड की वेव का एक इंट्यूशन हुआ है जी। तो हम लोगों ने उसके एक मॉकड्रिल हर अस्पताल में किए गए जी। जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना के सिम्टम्स और मंकी पॉक्स के सिम्टम्स मोस्टली सिमिलर हैं, बस स्किन पे रैशेज और इन्फेक्शन साफ दिखाई दे जाता है, और अगर ये दोनों बीमारी, क्योंकि अभी हमारे बीच से कोरोना खत्म नहीं हुआ, अगर मंकी पॉक्स और कोरोना एक साथ हो जाता है तो क्या कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि सीवियरिटी और फेटैलिटी रेट बहुत कम है, इसमें कोई भी डेथ अभी तक किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में या अफ्रीकन सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई डेथ नोटिस नहीं करी है, ना WHO ने रिकॉर्ड करी है, मंकी पॉक्स से कोई डेथ नहीं हुई है। स्टिल आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, जैसे किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को किडनी खराब है, किडनी खराब वाले आदमी को अगर मंकी पॉक्स हो जाता है तो वो उससे विकसित हो जाएगा, तो वो फेटैलिटी या डेडली हो सकता है जी। अगर ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है अगर ये मंकी पॉक्स सीरियस हो जाता है? तो कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी और स्पेशल दवाइयों की, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ जानता भी नहीं था, तो मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी चाहेंगे, अगर कोई ग्रसित होता है या फिर इसके बहुत ज्यादा मामले सामने आ जाते हैं तो सरकार को किन दवाइयों और चीजों को ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सेल्फ लिमिटेटिंग बीमारी है, ये खुद से ही ठीक कर लेती है अपने आप को, एक बात है। दूसरी चीज ये है कि जब सेल्फ लिमिटेशन रहता है तो इंसान अपने आप इसमें ठीक हो जाता है। अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो जैसे बदन दर्द या बुखार ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो नॉर्मल पैरासिटामोल जो अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक पे, वो सफिशियंट है इससे लड़ने के लिए। और अगर इसका आउटब्रेक हो जाता है किसी भी तरीके से पब्लिक में, तो मैंने कहा वैक्सीन ही एक वो तरीका है, इससे हम इससे निपट सकते हैं आउटब्रेक होने पर जी। वैक्सीन क्या मंकीपॉक्स होने के पहले ही लगानी जरूरी है या फिर बाद में भी लगाई जा सकती है, इसको ठीक करने के लिए लगाई जा सकती है या फिर पहले सेफ्टी के लिए? जैसे कि हम इसका आउटब्रेक अभी देख रहे हैं, तो इस पे इस मामले पे रिसर्च अभी चली रही है कि आउटब्रेक होने के बाद में जो एंटीबॉडीज बन जाती है, तो क्या वो प्रतिरोधक क्षमता हमारी दूसरी बार काम करती रहेगी, और काम करेगी तो कितने दिन तक काम करती रहेगी जी। क्या इस चीज पे भी रिसर्च हुआ है कि जो कोविड के लिए वैक्सीन लगी है वो कितनी प्रभावी रही, क्योंकि कोविड की वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लगाई गई थी, तो क्या ऐसे लोगों में मंकी पॉक्स के मामले देखने को मिले हैं? अभी तक जैसे कि हम लोगों ने कोई भी मामला इंडिया में नोटिस नहीं किया है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी पोस्ट कोविड को आफ्टर कोविड के साथ में मंकी पॉक्स का कोई अभी केस नोट नहीं किया गया है जी। यानी कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है अभी उनके साथ ऐसे मामले सामने नहीं आए, तो क्या कितनी संभावना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको मंकी पॉक्स हो सकता है? देखिए, कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स भी दोनों ही वायरस है, हालांकि ये जूनोटिक वायरस है, यानी कि जो एनिमल से आ रहा है हमको मिलता है जी। कोविड को अभी आज तक भी टर्म नहीं किया जा सकता है कि ये सुपरफिशियल है, मैन मेड है या नेचुरल है जी, किस तरीके का वायरस है, तो इसलिए दोनों का डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की एंटीबॉडीज भी अलग है, वो अलग अलग तरह से इफेक्ट करती है। कोरोना भी बताया जाता है कि वो जानवरों से ही आया है, और मंकी पॉक्स भी उसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, मंकी पॉक्स में कुछ ऐसा म्यूटेशन होता है? बिल्कुल, वायरस है, उसका डीएनए बदलता है, टेम्परेचर क्लाइमेट, जैसे जो जिन देशों में ठंड पड़ती है, ये बेसिकली शुरू हुआ अफ्रीकन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे बहुत मौसम बारिश वाला रहता है, टेम्परेट रहता है, इस तरीके से मौसम रहता है। अब वो जाहिर सी बात है, जब किसी ठंडे देश में गया, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी अफेक्टेड हैं इससे, और अमेरिका भी अफेक्टेड है, तो वहां पे इसका एक म्यूटेशन देखा गया है। अभी और कंट्रीज में जब स्प्रेड होगा तो उसका म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, कि ये चीज केसेस आने पर ही स्टडी हो सकती है जी। मयंक जी, सोशल मीडिया पर मंकी पॉक्स को लेकर काफी अफवाहें फैल रही है, इस पे लगाम लगाने के लिए क्या कुछ सुझाव देंगे सरकार को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो कि वायरल होती रहती है और उस पर ध्यान नहीं जाता है, कई बार आईटी सेल ध्यान भी देता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर मैं सिर्फ मंकी पॉक्स ही नहीं, जो भी चीजें वायरल होती हैं, जो भी लोग उनको एक बार देखते हैं, उसमें कुछ फनी लगता है या उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, वो उठाकर उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर देते हैं जी। तो ये सब करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर ले, क्योंकि हर चीज के कई पहलू होते हैं, और
हम लोग अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसके लिए हमें उन हर जरूरी चीजों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए जो कि जरूरी है, लेकिन वो उनकी सत्यता भी जान लेना जरूरी है। और जो लोग कहते हैं ताली बजा देने से वायरस कम हो जाएगा, थाली बजा देने से वायरस कम हो जाएगा, तो इन चीजों से भी हमें बचना है। और हमें बचना है उन लोगों से जो देश के प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो हमारे देश के बड़े पॉलिटिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, बॉलीवुड के बड़े कलाकार हों, उन लोगों से बचना है, क्योंकि वो लोग भी बड़े आसानी से आते हैं, कहते हैं कि फलाने ने कहा है कि थाली शाम को बजा लेना, वायरस जो है वो मर जाएगा जी। उसकी आवाज होगी ना, आवाज से वायरस मर जाता है। तो इन ऐसे मतलब सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया आप लोग तो कतई अफवाह ना फैलाएं। बाकी हमारे सोशल मीडिया के साथी आप लोग बहुत जागरूक होते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, बहुत से लोगों को आप न्याय दिलाते हैं, लेकिन इन कभी कभी देखा यह भी जाता है कि किसी गलत चीज का प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया पर हो जाता है जिसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग मंकी पॉक्स के बारे में अच्छे से जानकारी करें, ये बहुत ज्यादा घातक, जितना कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया उससे मेरे जो समझ में आया, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जो भी डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए कि मास्क लगा कर रखना है, और जब भी किसी ऐसी चीज टच करते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हमें अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, हाथ धुलने हैं, तो लगातार ऐसा करते रहें। और सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया हर चीज के बारे में ट्रेंड, मैं खासकर ट्विटर के बारे में बताना चाहूंगा, आजकल हमारे नौजवान ट्विटर बड़े जागरूक हो रहे हैं और इंस्टा पर बड़े जागरूक हो रहे हैं, जो भी ट्रेंड करता है उस ट्रेंड के बारे में जानकारी आप गूगल पर, बहुत बड़ी बात है, गूगल पर डालिए और अगर 2-4-5-10 मिनट पढ़ लेंगे तो आपको उसकी सही जानकारी मिल जाएगी। और हर चीज के कई पहलू होते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है ये सही है ये गलत है, उसके बारे में भी आप डालकर पढ़ सकते हैं और अपने जानने वाले किसी अच्छे डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि किसी अच्छी चीज को बचाने में कोई हिचकता नहीं है। और डॉक्टर्स खासकर आपको किसी जी शालिनी जी, जो लोग होते हैं वो विदेशी यात्रा करते हैं, वहां से वायरस लेकर आते हैं, हमने कोरोना काल में देखा, लोग जागरूक होने के बाद भी कहीं ना कहीं डरते हैं अपने सोशल स्टेटस की वजह से, और उनकी वजह से देखा गया था कि कोरोना का काफी प्रसार हुआ था। मंकी पॉक्स के केस में आप जनता को क्या कहना चाहेंगी, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, बाकी जो देश है हमारा वो भी सुरक्षित रहे, लोग ऐसी लापरवाही फिर से ना करें जो कोरोना के मामले में की थी? देखिए, इस बात में मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल प्रारंभ में तो कोरोना के बारे में जनता ने लापरवाही की थी, लेकिन बाद में जनता ने कोई लापरवाही नहीं की थी। जनता बीमार होते ही अस्पतालों के आगे हजारों की संख्या में खड़ी हो गई थी, लेकिन अस्पतालों में 10 बेड्स भी नहीं थे जी। बड़े से बड़ा आदमी, अकलमंद से अकलमंद आदमी, इवन डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। मैं इस बात को फिर से कहूंगी कि जो मीडिया है और टीवी है वो तरह तरह की अफवाहें और चाटुकारिता करने की बजाय ये देखे कि अस्पतालों ने अपनी जो सामर्थ्य बढ़ानी थी, बेड्स बढ़ाने थे, वो किए कि नहीं किए, ऑक्सीजन का प्रबंध किया कि नहीं किया। और एक बात और जो बहुत जरूरी है, यहाँ पे इतनी अधिक डेथ सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, अच्छे पोषण की कमी है, तो जिस दौरान और छूत की बीमारियां फैलती रहती हैं, ऐसे टाइम में उनके इस चीज की व्यवस्था कि उनको कुपोषण दूर करने के लिए जो आयरन और कैल्शियम की गोलियां बांटी जाती हैं और उसके बारे में जो अवेयरनेस की जाती है उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं एक बार फिर कहूंगी कि जनता तो जागरूक थी, जनता तो छोटी छोटी चीजों के लेके अस्पताल आ रही थी, लेकिन अस्पताल ही असमर्थ थे कि वो उनको इलाज कर पाए, इसलिए हम लोगों के ऊपर कोरोना बहुत भारी पड़ा। इसके लिए मीडिया की और अस्पतालों की और डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा अवेयरनेस की और एक्टिव होने की बहुत जरूरत है जी। तो आपको क्या लगता है किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को?
इस वक्त देखिए, जैसे बहुत पहले एक जमाने में चेचक फैलती थी, फिर उन्होंने टीका लगाया तो सब चेचक बिल्कुल बंद हो गई, पोलियो ड्रॉप्स दी गई इसी तरीके से। तो अगर ये मंकी पॉक्स है, ये तो आप मंकी पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी घातक नहीं है, लेकिन जो भी छूत की बीमारियां हैं और जो ज्यादा फैलती हैं उनके बारे में लगातार अवेयरनेस, जिनके बारे में भी टीकाकरण हो सकता है उनका टीकाकरण, और लोगों में कैल्शियम की, आयरन की या और ऐसी चीजों की जिनकी कमी पहले से होती है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी उनके लिए जो होती है वो फेटल सिद्ध हो जाती है, उसको दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और उसके बारे में लगातार, जैसे पहले टीवी में आते रहते थे दूरदर्शन में, उस प्रकार के कार्यक्रम मुझको लगता है कमर्शियल चैनल्स को भी करने चाहिए। जी, जिस तरह से कोविड के टाइम पे देखा गया कि लोग काफी मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनको काफी चीजों की किल्लतों का सामना करना पड़ा था, अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सिस्टम सुधर रहा है, तो इसको देखते हुए क्या कहेंगी? वैक्सीनेशन में देश ने एक अच्छा आंकड़ा पेश किया है, वैक्सीनेशन को देखते हुए क्या कहेंगी? देखिए, वैक्सीनेशन तो काफी हुआ है, लेकिन मैंने अभी देखा था कि जो बूस्टर डोज है उसके लिए बहुत स्लैकनेस हो गई है, लोग जा नहीं रहे हैं जी। और दूसरी बात ये कि इस बारे में अभी कोई भी ऑडिट नहीं हुआ है, कोई भी डेटा अभी किसी ने नहीं दिया है कि जो ये कहा जा रहा था कि हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा लिए हैं या बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है या दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है, अभी इसका कोई भी डेटा नहीं आया है और कोई भी सर्वे नहीं हुआ है, कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि अभी भी कोरोना काल जितनी ही हमारी स्थिति है या उससे बेटर हो गई है। मुझे लगता है इसके ऊपर सर्वे करके, अपडेट करके और इन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से बहुत कम है। जी, मयंक जी, शालिनी जी ने भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम की जरूरत है, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में अभी भी जो कमियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है, आपको भी ये महसूस हो रहा है? और क्या लगता है कि इन कमियों को दूर करने के लिए कितना समय पर्याप्त होगा? स्वास्थ्य मंत्री जी जब से उन्होंने शपथ ली है जी, हमें भी अच्छा लगा देखकर कि स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और शर्मिंदा भी बहुत हो रहे हैं। तो शर्मिंदा तो वो लगातार उनकी पिछले 5 सालों की सरकार उनको शर्मिंदा करती रही और वो आज भी शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, कृपया इसके बाद शर्मिंदा ना हो आप लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ बातें बातें और सिर्फ बातें करते हैं जी। तो सर ना हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, महोदय जो डिप्टी सीएम भी हमारे, कृपया समय रहते उचित प्रबंध करें, दवाइयों का प्रबंध करें, बेड का प्रबंध करें और डॉक्टर्स को कृपया सुरक्षा भी दिया, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि पेशेंट के साथ कोई गलत हादसा हो जाता है तो वो पैनिक होकर डॉक्टर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी आप लोग काम करें। और मैम प्रभावित हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा पहलू उसका देखा जाए, स्वास्थ्य मंत्री चाहे कितना भी घूमे, वो हमको वो पिकनिक लग रहा है उसका, पिकनिक उसको मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी रात में पहुंच जाते हैं, दिन में पहुंच जाते हैं, कभी शाम को पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके औचक निरीक्षण का अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। जो भी व्यवस्थाएं पिछले 5 साल की सरकार में थी, शायद मैं कह सकता हूं कि उससे बदतर हो गई है, क्योंकि अभी कोई हमारे यहाँ पर अभी कोई वायरल ऐसी बीमारी नहीं पहले कि किसी को सर्दी जुकाम की वायरल हो गया हो और बहुत ज्यादा पेशेंट अचानक से बढ़ गए हो, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अभी जब बारिश शुरू होगी और बारिश खत्म होती है तो वायरल फीवर ऐसी भी कई बीमारियां फैलती हैं, तो थोड़ी सी समस्या आती है जी। और जब अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है तब उत्तर प्रदेश के हालात दिने पस्से बदतर है कि हिंदुस्तान में तो हम सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश हमारा है ही है, और अगर देश की बात की जाए तो शायद गिनती अभी करना मुश्किल हो जाएगा, और उस सूचकांक को ना कहकर हमें बड़ी शर्म महसूस होती है कि हमारा देश इतने पीछे है। औचक निरीक्षण के दौरान जो एक्सपायरी दवाई मिली है और उसका जो डाटा मांगा गया है, साथ ही 100 दिन का खाका मांगा गया है, तो क्या इससे भी बदलाव की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही आपको? ये करने वाले कौन लोग है? पिछले 5 साल सरकार किसकी रही? किया माननीय मुख्यमंत्री की सरकार के ही लोगों ने, अधिकारी उनके हैं, पिछले स्वास्थ्य मंत्री उनकी सरकार के रहे, अब अपनी सरकार पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं लेगा, और कायदे से तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप भी एक सम्मानित न्यूज चैनल पे हैं, आप भी इस तरीके को बेहतर जानते होंगे, डॉक्टर साहब भी बेहतर जानते होंगे, और शालिनी जी
भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये इसमें गलती किसकी है और इसमें अच्छाई किसकी है। तो अगर माननीय उप मुख्यमंत्री कि अगर बातों का संज्ञान सरकार ले तो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदार जो भी है उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और मैं सराहना करूंगा। बिल्कुल कमी रही थी तभी स्वास्थ्य मंत्री को भी बदला गया था। मयंक जी, डॉक्टर मैं आपकी तरफ फिर से लौटती हूँ, इस बीमारी के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। कुछ अहम चीजें रह गई जिसके बारे में भी जानना जरूरी है कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो हम इस बीमारी क्या हर एक वायरस से लड़ पाएंगे, तो इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना, अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना जरूरी है? इम्यूनिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। उससे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम जैसे कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये एक पहले एक नारा आया था, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जो चीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे पहले तो ये स्प्रेड ही ना हो, इसकी चेन ना बने। दूसरी बात, अब हम इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। इम्यूनिटी एक ऐसा फैक्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तब उसको इम्यून सिस्टम की बहुत आवश्यकता होती है, एक अच्छे इम्यून सिस्टम की। आप जब भी घर से बाहर अपने काम के लिए निकले तो ब्रेकफास्ट, एक हैवी ब्रेकफास्ट लें और फ्रूट्स और नॉरिशियस डाइट लें। आप बहुत तला चिकना खाने से बचें जिससे कि ओवरलोड, ओवरबर्डन ना हो जाए, आपकी इम्यूनिटी लेस ना हो। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, दही है, छाछ है, नारियल का पानी है, जूसेस हैं, इन सबका प्रचुर मात्रा में सेवन करें और गर्मी का टाइम है, हाइड्रेशन बहुत मेंटेन रखें जी। अगर बात करी जाए मंकी पॉक्स की, तो क्या ये बॉडी के किसी और हिस्से पे भी असर डाल सकता है? जैसे कि वायरस है, तो ये वायरस कोई भी होता है तो वो सबसे पहले लिवर को डैमेज करने लगता है, लिवर से इंड्यूस होता है। वायरसेस मोस्टली सारे लिवर पे डैमेज करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस हो। कोविड वायरस का एक अलग प्रभाव था क्योंकि वो फेफड़े से जुड़ा हुआ था, फेफड़े में एक दिक्कत थी कि आदमी को सांस लेने की दिक्कत आती थी और आदमी की मृत्यु तुरंत और तत्काल हो सकती थी, जैसे कि हुई भी है, हमने कई उसके वेरिएंट्स में देखा भी है जी। बच्चों में ये ज्यादा होता है और बच्चों के लिए सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, बच्चों को कैसे बचाया जाए? बच्चों में भी यही बात है कि जब हम बाहर से आए, घूम फिर के आए, तो हम बच्चों को तुरंत हाथ मिलने से बचें या अपने आप को हाथ पैर धोए अच्छे से और हाइजीन मेंटेन करें, तब बच्चों को हम जी। और क्या कुछ जरूरी जानकारी देना चाहेंगे आप इससे जुड़ी हुई, इस वायरस से जुड़ी हुई? और हमारे एटमॉस्फेयर में कहा जाता है कि बहुत सारे वायरस है, तो वो खतरनाक कैसे बन जाते हैं, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे? हमेशा वायरस जब रेप्लिकेट करते हैं, किसी भी तरीके से रेप्लिकेशन होता ही रहता है, जैसे कि म्यूटेशन है, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो रहा है। हम जैसे पहले हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा कि हम लोग बंदर थे, बंदर से फिर आके हमारे पूर्वज थे, फिर वो हमारी टेल गायब हो गई, तो धीरे धीरे से एवोल्यूशन और म्यूटेशन हुआ, तो आज हमने ये मानव रूप हम लोगों ने लिया। इसी तरीके से वायरस है, वायरस का डीएनए है, वो हर जगह 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 पर परिस्थितियों के साथ में, टेम्परेचर के साथ में रिप्लिकेट होता रहता है और वो डेडली रूप ले लेता है। जैसे कि एक वायरस का जो रूप आया था डेल्टा, तो डेल्टा बहुत ही डेडली था, वो फर्स्ट वेव से भी ज्यादा डेडली था। सेकेंड वेव में हमने देखा कि ज्यादा डेथ नोटिस करी गई थी। सिमिलरली जो सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड और फोर्थ वेव आई है उसमें डेथ रेट कम रहा है, बहुत कम रहा है जी। आरटीपीसीआर टेस्ट किट बनाई गई है, ये किस तरह से काम करती है? आरटीपीसीआर जो टेस्ट किट होती है उसमें खास तरह के प्रोब्स होते हैं वायरस में, उसका कलर पर्पल कलर का हो जाता है अगर वो वायरस उसमें डिटेक्ट होता है जी। और अगर बात करी जाए वृद्ध लोगों की, तो उनके लिए ये कितना घातक साबित हो सकता है मंकी पॉक्स? वृद्ध लोगों के साथ में जैसे ही कि अगर कि हम किसी भी वो वृद्ध बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि शुगर है, डायबिटीज शुगर है, गुर्दे के रोग है, ब्लड प्रेशर है या अन्य तरह के कोई भी उसको रोग है, तो वो अगर इससे अफेक्टेड होता है तो उसके लिए वायरस डेडली हो सकता है जी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको इस वायरस के बारे में और कई वायरस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, तो सरकार को किन चीजों पे काम करना चाहिए? क्योंकि अभी शालिनी जी और मयंक जी दोनों ने अपनी बात रखी और बताया कि स्वास्थ्य महकमे में कुछ कमियां हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है किन चीजों पे काम करना चाहिए सरकार को, और जिस तरह से भ्रामक चीजें जनता के बीच वायरल हो रही है उन पे किस तरह से रोक लगनी चाहिए? सरकार एक खास तरह से काम कर रही है, ड्राइव चला रही है। जैसे आज एक हफ्ता पहले सरकार ने डीजी, जितने सारे डीजी हेल्थ हैं सारे प्रदेशों के, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एडवाइजरी आई थी
सारे डीजीज ने एडवाइस जारी करी है मंकी पॉक्स रिलेटेड, और उसकी मॉक ड्रिल भी करी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। हमारे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह जी जुड़े थे, मयंक यादव जी सपा से जुड़े थे, शालिनी माथुर जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी थी, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। हमने डॉक्टर से जाना कि मंकी पॉक्स और कोरोना में कितनी सिमिलैरिटीज है, किस तरह से मंकी पॉक्स कोरोना से अलग है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर कोरोना और मंकी पॉक्स एक साथ हो जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कितना घातक है, और किस तरह से जो बातें फैल रही सोशल मीडिया के माध्यम से मंकी पॉक्स को खतरनाक बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, तमाम चीजों के बारे में हमने जाना और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मंकी पॉक्स एक सामान्य वायरस की तरह है, स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ ये खतरनाक तब हो सकता है जब हम किसी पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हों, वरना ये घातक नहीं है, ये अपने आप भी ठीक हो सकता है, इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, यानी कि इसका इलाज मौजूद है, हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट किट भी तैयार है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये मंकी पॉक्स ही है या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है। हमने तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की, एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है चीजें वो बेबुनियाद है, बिल्कुल भी कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, ना ही अर्थव्यवस्था पे देश दुनिया पे कोई असर पड़ने वाला है, हालांकि ये एक बीमारी है, वायरस बीमारी है जिससे बचाव की जरूरत है, जिससे हमने कोरोना पे एक जीत हासिल करी है, उसको हराया है, वैक्सीनेट हुए हैं हम सब, और जरूरी है कि सभी अपने समय आने पर बूस्टर डोज भी लें। साथ ही साथ मंकी पॉक्स से बचाव के लिए भी जरूरी है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, अगर उन देशों में जा रहे जहां पे मंकी पॉक्स के मामले हैं तो वहां पे जाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है दूर रहने की, मास्क लगाने की, उन्हीं चीजों को फॉलो करें जैसे हमने कोरोना को हराया जो कि इतनी घातक बीमारी थी, वैसे ही हम मंकी पॉक्स को भी हरा सकते हैं। किसी भी बेवजह की सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डॉक्टर की बातों पे ध्यान देना है। फिलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली चर्चा में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, जानेंगे कि किन किन तरह से बचाव किया जाए, चर्चा करेंगे हर एक मुद्दे पे जो कि जनता के हित में होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।